वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा गया था, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की बात आज शुरू होनी है। और ये बात शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि व्यूअर्स की संख्या आप लोगों के प्रयास से और सहयोग से अच्छी खासी संख्या में ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुई है। और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा होगा। हमारे जितने भी वीडियोज हैं उसमें बहुत ही इनिशियल लेवल से बातें कही जा रही हैं और विथ रीजन आपको बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप सारे वीडियोज को ध्यान से देखेंगे और उनका नोट बनाएंगे तो आपको एलिमेंट्री लेवल से, प्राइमरी लेवल से कम्पिटिटिव लेवल तक कहीं भी ग्रामर संबंधी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली वीडियोस को देखते रहना होगा। और अगर आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप और लोगों के बीच भी उसको प्रसारित करें कि हाँ, ये वीडियो अच्छा है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। अब हम बात पर आते हैं, आज के टॉपिक पर। ये टॉपिक है ऑक्सिलियरी वर्ब। वर्ब चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अभी तक आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया जा चुका है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फिर नॉन फाइनाइट फैमिली में आप लोगों को बताया जा चुका है इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और फिर जेरंट। इन सारे चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। तो वर्ब का जो मेन वर्ब वाला पार्ट है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ ये ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा भाई वर्ब का, छोटा भाई वर्ब का ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक के नाम पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, उस चीज़ को समझने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो यहाँ पर इसका नाम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब भी एक नाम है और दूसरा नाम इसी का, जैसे गुड्डू और विजय किसी एक ही आदमी का दो नाम है, उसी तरह से हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, ये एक ही चीज का दो नाम हुआ। अब हम एक सवाल करें कि व्हाई दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग का मतलब हेल्प से बना हुआ है और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, सहयोग करना। और इसका हिंदी में जब हम हिंदी व्याकरण में आप देखिएगा तो सहायक क्रिया हिंदी में भी होती है। ये सहायता करने वाली क्रिया है। क्या सहायता करती है भाई? तो पहला पॉइंट, दीज वर्ब्स आर नोन
आइदर एज ऑक्सिलियरी वर्ब्स और एज हेल्पिंग वर्ब्स। पहली बात यह बताई गई कि दो नाम एक ही चीज का, आप इच्छा हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए, आपका मन करे तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट कि इनको हेल्पिंग क्यों कहा जाता है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज, क्यों कहा जाता है, तो इसका पहला रीजन है ए, वो है कि दीज वर्ब्स हेल्प अस इन डिटर्मिनेशन ऑफ दी टेंस ऑफ ए सेंटेंस। पहला हेल्प इनके द्वारा जो हमें मिलता है वो क्या है कि ये टेंस को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करते हैं कि कोई वाक्य जो दिया हुआ है वो किस टेंस में है, इसको बताने में हमारा ये सहयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, ही राइटिंग ए लेटर, ये कुछ शब्दों का समूह दिया हुआ है। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए ये किस टेंस में है सेंटेंस। ये हमारा सवाल है कि ये किस टेंस में है सेंटेंस। तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड और टू से कि ये फलाने टेंस का सेंटेंस है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें आपका मदद करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर हम यहां पर इज दे दें तो आप बड़ी आराम से पूरे बोल्डनेस के साथ ये कह देंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर हम इस इज को मिटा दें, यहां पर वाज लिख दें, तो क्या आपकी मदद होगी? ये अब इस ये वाज जो है ये आपको ये बताने में मदद कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट का हो गया। अब ये पास्ट इम्परफेक्ट का हो गया, तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ टेंस हुआ इसको करने में आपकी मदद इज ने किया या वाज ने किया, और इज और वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला काम हेल्पिंग वर्ब इसका नाम रखे जाने के पीछे जो कारण है वो पहला कारण ये है कि ये हमें किसी वाक्य के टेंस में, टेंस के निर्धारण में ये हमारी मदद करता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई दीज वर्ब्स हैव बीन नेम्ड
एज हेल्पिंग वर्ब्स। सेकेंड रीजन क्या है भाई, क्यों इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है? तो दूसरा कारण है दीज वर्ब्स हेल्प अस राइट ए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें नॉट आया हुआ हो। अब ये हमको कोई वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, उसमें कहा जाए कि इसको निगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सिलियरी वर्ब। वो काम आप नहीं कर सकते हैं बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के रहे हुए, बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के आए हुए आप वो काम नहीं कर सकते हैं अगर किसी वाक्य को निगेटिव बनाना है। जैसे आई ईट ए मैंगो, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसको सकारात्मक स्वीकार करने वाली बात जिसमें कही गई हो, निगेटिव नकारात्मक जिसमें इनकार करने की बात कही जाए। तो आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट इफ यू वांट टू राइट दिस सेंटेंस इन इट्स निगेटिव फॉर्म, आप इसको निगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप आई ईट नॉट ए मैंगो ये लिखेंगे तो दिस विल नॉट बी द प्रॉपर निगेटिव फॉर्म ऑफ दैट अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नहीं होगा। तो सही क्या होगा? सही होगा आई डू नॉट ईट ए मैंगो। अब ये सही हो गया। ये सही कैसे हो गया भाई? ये सही हो गया विथ द अराइवल ऑफ दिस डू, और ये डू जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हेल्पिंग वर्ब ने, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हेल्प जो हमको मिलता है वो ये है कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव फॉर्म देना है तो उसमें ये हमारी मदद करता है। नाउ इसका थर्ड हेल्प इसके द्वारा जो हमें मिलता है वो क्या है भाई? इसका थर्ड हेल्प है जिसके कारण इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है, वो तीसरी मदद क्या है कि दीज वर्ब्स हेल्प अस टू राइट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहते हैं। प्रश्न पूछने वाला अगर हमें कोई वाक्य लिखना है तो वो काम भी ऑक्सिलियरी वर्ब की उपस्थिति के बाद ही हो पाता है। वो काम भी हम हेल्पिंग वर्ब के सहारे ही कर पाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का ये तीसरा हेल्प है हमारे लिए कि अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव वाक्य, क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य लिखना है तो हमको ऑक्सिलियरी वर्ब के सहयोग की जरूरत होती है। क्या है? जैसे
वही क्वेश्चन हम ले वही सेंटेंस लेते हैं, आई ईट ए मैंगो। ये अफर्मेटिव वाक्य है। इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म देना है तो क्या किया जाएगा? इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा डू आई ईट ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन बना किसके आने से? इस डू के आने से बना। तो इसने हेल्प किया हमारा, इसने हमारी मदद की। किस काम में मदद की? सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म, किसी क्वेश्चन को लिखना है अगर आपको, प्रश्न लिखना है, तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बी डन विदाउट यूजिंग एन ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इसका इसकी चौथी मदद, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो सारा बेस्ड ऑन रीजन है, हर इसके एक्शन से आपको स्पष्ट होगा कि अरे भाई वास्तव में इनका नाम जो हेल्पिंग वर्ब रखा गया है वो जैसा इनका काम है उसी तरह का इनका नाम रखा गया है। चौथा काम इनका क्या है, चौथी मदद ये हमारी क्या करते हैं? दीज वर्ब्स डू ऑल्सो हेल्प अस इन राइटिंग ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर्म। देखिए ये चौथा हेल्प है और ये आखिरी हेल्प है। चार तरह की मदद हेल्पिंग वर्ब्स करते हैं। बताया गया आपको कि सेंटेंस की पहचान कराने में हमारी मदद करते हैं। आपको बताया गया कि कोई निगेटिव सेंटेंस लिखना है तो उसको निगेटिव में कन्वर्ट, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करने में ये हमारी मदद करते हैं। तीसरा आपको बताया गया कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप क्वेश्चन फॉर्म देना चाहते हैं तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद मिलती है, उसके मदद के बिना आप वो काम नहीं कर पाते हैं। और चौथा है पैसिव वॉइस, वॉइस की चर्चा आगे होगी, बट अभी से ही आप जान लीजिए कि पैसिव वॉइस में अगर किसी सेंटेंस को लिखना है तो दैट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सिलियरी वर्ब ए हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव फॉर्म नहीं होगा। तो ये इसका चौथा काम है, ये चौथी मदद हमारी करता है कि किसी वाक्य को पैसिव फॉर्म में लिखने में। जैसे हम कहें कि फिर वही वाक्य लीजिए, आई ईट ए मैंगो, ये एक्टिव सेंटेंस है। और जब पार्टिसिपल की चर्चा हो रही थी उस समय आपको बताया गया था कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हर हाल में पैसिव सेंटेंस में किया जाता है, और जब पैसिव सेंटेंस में उसका प्रयोग किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल का, तो वहाँ पर टू बी फैमिली से एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है। आपको ये भी कहा गया था कि किसी वाक्य को पैसिव कहना है, अगर आपसे कोई कहे कि ये वाक्य पैसिव है कि नहीं है, तो आपको दो चीज़ देखना है। नंबर वन कि उसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वी थ्री फॉर्म वर्ब का आया है कि नहीं आया है, और दूसरी बात कि उसमें टू बी फैमिली का कोई ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं आया है। ये दोनों अगर आपको दिखाई दे दे तो आप आंख बंद करके उसको पैसिव कह दीजिए। इस दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो वो पैसिव नहीं होगा वाक्य। तो इतनी महत्ता है, इतना महत्व है
ऑक्जिलियरी वर्ब का कि कोई पैसिव सेंटेंस विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्जिलियरी वर्ब, और ऑक्जिलियरी वर्ब में भी सिर्फ टू बी फैमिली के ऑक्जिलियरी वर्ब्स, उनके उपस्थिति के बिना इनका पैसिव कोई भी सेंटेंस आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब के, टू बी फैमिली भी हेल्पिंग वर्ब ही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके द्वारा जो मदद होती है उस पर चर्चा हो रही है कि ये किसी सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करेगा तभी हम उसका पैसिव बना सकते हैं। जैसे इसी का पैसिव करना है तो क्या होगा, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ये कैसे बना फिर इसकी चर्चा पैसिव एक्टिव पैसिव की बात जब होगी उस समय होगी। अभी ये जान लीजिए कि ये पैसिव सेंटेंस है, और अभी हमने आपको बताया कि टेस्ट का क्या तरीका है कि पैसिव सेंटेंस है, तो वो दोनों चीज इसमें पाया जा रहा है, इज टू बी फैमिली से आया हुआ ऑक्जिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, और ईट का भी थ्री फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिया गया है। तो टू बी और पास्ट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन जहाँ भी होगा आप बेहिचक आँख बंद करके उसको पैसिव कह सकते हैं। इस दोनों में से एक भी अगर कम है तो वो वाक्य पैसिव नहीं होगा। तो ये चार जो है इनका हेल्प है, ये चार काम में हमारी मदद करते हैं ये वर्ब्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन अबाउट द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक कि हेल्पिंग वर्ब इनको क्यों कहा गया, इट इज क्लियर। नाउ काइंड्स की बात करें, अब हम काइंड्स की बात करें। काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार हैं, तो इनके प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो उनकी संख्या है तीन। तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्जिलियरी वर्ब्स। दूसरा है मॉडल, MODAL, MODEL नहीं होगा, मॉडल नहीं कहना है, मॉडल, MODAL। और इनकी तीसरी वैरायटी है वो है मार्जिनल। तीन वैरायटी हेल्पिंग वर्ब्स की है, प्राइमरी ऑक्जिलियरी वर्ब्स या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्जिलियरी वर्ब्स या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, और तीसरा है मार्जिनल ऑक्जिलियरी वर्ब्स या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स। तो इन तीनों की चर्चा हमको करनी है अलग अलग, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इस पर बहुत ही कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। अगर आप समझ गए तो आपको टेंस समझने में परेशानी नहीं होगी, अगर आप समझ गए तो आपको वॉयस समझने में परेशानी नहीं होगी, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो फिर आपको नरेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। तो हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब्स की तीन वेराइटीज हैं, जिसमें पहली वेराइटी है प्राइमरी ऑक्जिलियरी वर्ब्स या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्जिलियरी वर्ब्स, और तीसरा है मार्जिनल ऑक्जिलियरी वर्ब्स। तो हम इनकी अब एक एक कर चर्चा करेंगे, और जैसा जो सबसे बड़ा संतान है ऑक्जिलियरी वर्ब का वो है प्राइमरी
ऑक्सिलियरी भर्ब। अब इनको प्राइमरी ऑक्सिलियरी भर्ब क्यों कहा जाता है और इनका कैसे कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम पहले चर्चा कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सबसे पहली विशेषता इनकी यह है कि दीज वर्ब्स आर ऑफ ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल का मतलब होता है दोगला, ड्यूअल का मतलब होता है दोगला। दोगला अपने आप में कोई गाली नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि एक ही आदमी दो तरह का बिहेवियर करे, आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कर दे और बगल में जब जाए तो आपको पूरा गाली से बोथ दे वो। तो ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों को ड्यूअल कैरेक्टर वाला कहा जाता है, दोगले चरित्र का कहा जाता है, दोहरे चरित्र का कहा जाता है। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा इज्जत वाले शब्दों में बात करेंगे तो दोहरा चरित्र। तो ये भर्ब्स जो हैं वो ड्यूअल कैरेक्टर के हैं, मतलब ये हुआ क्या है इनका दोहरा चरित्र, उसका पॉइंट नंबर टू, व्हेन दे आर यूज्ड एलोन इन ए सेंटेंस दे वर्क एज मेन वर्ब्स। कि अगर इनका प्रयोग किसी वाक्य में अकेले किया जा रहा हो, मतलब इनके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं आया हुआ हो, तो वहां पर ये मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा है, वो घर में अगर अकेले है और आपको किसी चीज को मांगना है, आप जाते हैं उसके फादर से मिलने, बाप से मिलने मांगने के लिए, बट वो उपलब्ध नहीं है, वैसी स्थिति में वो घर का मालिक हो जाता है वो बच्चा, उसी से आप जाके कहते हैं कि बाबू जरा सा ये चीज ला के दे दो उनको। तो वहां पर वो अकेले है, अगर उसका बाप होता तो वो हो सकता था हेल्प करता, बाप कहता कि बुआ वहां रखा हुआ है सामान ले आके दे दो, तो वहां पर उसकी भूमिका हेल्पिंग वर्ब की होती। लेकिन अगर वो अकेले है किसी सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब का काम करेगा। जैसे I have a pen। देखिए इसको समझिए, इस सेंटेंस में I एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन चैप्टर में देखिएगा आप, जो प्रोनाउन की चर्चा हो रही थी उस वीडियो को देखिए। I एक प्रोनाउन है, a आर्टिकल है, इससे भी आप वाकिफ हैं, आर्टिकल का वीडियो देखिएगा आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये pen एक नाउन है, ये नाउन चैप्टर में जरूर आया होगा एक आध बार, उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये हैव जो है इसमें क्या है भाई, ये वर्ब है, और वर्ब की ये विशेषता होती है कि कोई भी कंप्लीट सेंटेंस विदाउट प्रेजेंस ऑफ वर्ब नहीं होता है। फुल सेंस देने वाला कंप्लीट सेंटेंस विदाउट प्रेजेंस ऑफ वर्ब नहीं होता है। तो वर्ब की ये उपयोगिता है या वर्ब की ये अहमियत है, तो इसमें ये वर्ब आया। अब ये वर्ब इस सेंटेंस में कितना वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो यहां पर जो हैव आया ये हैव क्या है, मेन वर्ब है।
ये बउआ है, छोटा है, नाबालिग है, लेकिन घर में अकेले है, देयरफोर ये उस समय मेन वर्ब का काम करेगा। और फिर तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात ये होगी कि व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड विथ ए मेन वर्ब, तो दे वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स। समझिए इनको। अब अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में आ रहा है तब क्या होगा? तब ये हेल्पिंग वर्ब, उस समय ये बउआ होगा, बचवा होगा, हेल्प करने वाला होगा, ये मेन नहीं कहलाएगा। बाप अगर घर में है तो 8 साल का बच्चा घर का मालिक नहीं कहलाएगा, वो हेल्पर हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो आएगा। जैसे हम लिखें कि आई हैव रिटन ए लेटर। देखिए इस सेंटेंस में क्या हुआ है, पिछले वाले सेंटेंस में भी हैव आया हुआ था लेकिन वो अकेले था। इस सेंटेंस में क्या हुआ है, हैव आया हुआ है बट इसका बाप भी आया हुआ है, ये मेन वर्ब भी थ्री फॉर्म में। तो इस सेंटेंस में वही हैव जो इसके पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा था क्योंकि वो अकेले आया था, लेकिन इस सेंटेंस में ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका गार्जियन, इसका बाप मेन वर्ब इस सेंटेंस में विराजमान है। तो ये यही कारण है कि इसको ड्यूअल कैरेक्टर का या दोगला चरित्र का या दोहरा चरित्र का कहा जाता है, क्योंकि ये कभी मेन वर्ब का काम कर लेता है, कभी हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेता है। और इस फैमिली में जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स में जितने भी हैं उस सब की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले बता रहा हूँ कि ये अकेले रहेगा तो मेन वर्ब का काम करेगा, और किसी दूसरे वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब के साथ ये आया हुआ है तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करेगा। दैट इज व्हाई दीज वर्ब्स आर कॉल्ड दी वर्ब्स ऑफ ड्यूअल कैरेक्टर, इनको ड्यूअल कैरेक्टर का वर्ब कहा जाता है। तो आज कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही बात मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी का पहला वेराइटी, उसमें 3 वेराइटीज हैं, टू डू, टू बी, टू हैव, ये 3 ग्रुप है, उनकी अलग अलग चर्चा होगी। आप वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।